रख पानी में ग्लूकोज डाल, इलेक्ट्रॉल डाल, हर चीज कर तेरे बॉडी के लिए, क्योंकि ये एक टारगेट है जो तेरे को अचीव करना मेरे भाई। फाइनल में पहुंच गया तो अगले 2 साल एग्जाम की शक्ल नहीं देखनी है तेरे को, ये समझ के चल। वो परक्विजिट को इमेजिन कर, क्या तेरे को फिर 6 महीने में एग्जाम को देखना है या 2 साल तक एग्जाम नहीं देखनी है? और कमाना चालू हो जाएगा भाई तेरा, जो पिछले 2 साल की भुखमरी है वो बंद हो जाएगी, तू आर्टिकलशिप में जाएगा फॉर्मल कपड़े, जस्ट इमेजिन, सुंदर बंदी जिसके बाजू बैठ के कंप्यूटर देखेगा, जस्ट इमेजिन। आई एम मोटिवेटिंग इन अ डिफरेंट वे, आई हैव माई ओन। एक हार्ड अटेम्प्ट और दे देगा, चल तेरा बापू, उसके बाद क्या बोलेगा पता है बेटा? होता है तो ठीक है, नहीं तो चल दुकान में आके बैठ, चल ये काम कर वो काम कर। पर तू दिल से सोच के देख, बॉस था, बाप और बेटा दोनों एक साथ एक अटेम्प्ट में सीए बने, डैड वॉज ऑल्सो डूइंग सीए, जस्ट टू मोटिवेट हिज सन कि तू भी कर मैं भी करता हूं, चल देखते हैं। एंड डैड वॉज एन इंजीनियर, समझ सकते हो लेवल लोगों का, थॉट लेवल इस कोर्स के लिए, डेडिकेशन इस कोर्स के लिए। एंड एक बार तुम मन गए उसके बाद भाई तेरा लाइफ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। मतलब जो लोग सोच नहीं सकते होंगे तू उस लेवल पे होता है। इमेजिन करोड़ों की कंपनी तेरे एक के हाथ में होती है, कहां घुमाना और कैसे घुमाना है तेरे को मालूम होता है। एओ साला तेरे से डरता है कि नहीं भाई, उसको भी मालूम है तेरे पास ज्यादा नॉलेज है इस चीज का। सोच के देख, अगर तू सीए नहीं है तो तेरे फैमिली बिजनेस के हिसाब से तू सोच के देख तू कहां है। तेरे को एक मिनट में मोटिवेशन आना चाहिए इस चीज को करने का। एज अ गर्ल सोच के देख, हाउसवाइफ बन के मजा आ जाएगा क्या? डजंट मैटर रे, पास एंड फेल आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट तुम अगर मेहनत करना ही भूल गए तो तुम्हारे ऐसा बेवकूफ कोई नहीं। और तेरे को लगता है ना तू दिल से कि तू इस कोर्स के लिए बनाए, तू इस चीज के लिए बनाए, तेरे पास टाइम आएगा, कंफर्म तेरे पास ये टाइम आएगा, जब तेरे को सारे गलत कहने वाले, निगेटिव कहने वाले, ये सब एक साथ लाइन से खड़े रहेंगे, तूने हाथ में पकड़ने का मशीन गन, डक 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 डक, सबके अंदर ठोकने का। लेकिन जिस दिन तेरे को अंदर से लग गया ना कि नहीं यार मेरे को अब करना जरूरी है, मैं मर जाऊंगा अगर ये नहीं किया तो, उस दिन ना तू भाई अंगार रहेगा। और अंगार को तो बेटा कोई भी हाथ नहीं लगाता, खुद अंगार भी नहीं, पानी खिलाना पड़ता। जो ऑडियंस है तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी फैमिली, और तुम बन जाते हो प्लेयर। पिच है, आईसी है, बॉल डाल रहा है इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट एग्जामिनर, ना या तो बोल्ड हो जा या तो सिक्स मार ले, हेलीकॉप्टर शॉट, और बन जाए तेरे पे बायोपिक। Either of the things, but you decide कि क्या करना है, you want to be or you don't want to be, there is no third passage.